सर्चिंग फॉर न्यू, हंटिंग फॉर न्यू। हम लोग बहुत कम ही निकल पाते हैं इस मोती के खोज में, पर जब वो न्यू का मोती मिल जाता है तो वो हमारे लाइफ को थोड़ा आगे ले जाता है। हमारा एक्सपीरियंस लेवल अप हो जाता है, हमारा मैच्योरिटी लेवल अप हो जाता है। इस बार हमारा जर्नी था कुछ न्यू एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, और हम लोग उस एक्सपीरियंस में सफल हुए। बहुत यादें लेके आए, अभी भी उस यादों में जी रहे हैं। हम लोग इस बार ओशन के अंदर के वर्ल्ड को, यानी कि अंडरवाटर वर्ल्ड को एक्सपीरियंस किए, और नतीजा ये हुआ कि हम लोगों को अभी भी पानी के नीचे के उस दुनिया में ही रहने का मन करता है। और उसी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने के लिए मेरा आज का ये ब्लॉग। That was one of the best day of my life. Hello friends, my name is Rajashree and welcome back to my channel Rajashree Sanjoy. Let's begin. Good morning. और आज हम लोग का second day हैवलॉक आइलैंड में और स्वराज द्वीप में, और अभी हम लोग जा रहे हैं एलिफेंटा बीच। एंड दिस वॉज आवर होटल इन हैवलॉक आइलैंड और स्वराज द्वीप। द होटल वॉज वेरी ब्यूटिफुल। सुबह का 7 बज रहा था और हम लोग निकल रहे थे एलिफेंटा जाने के लिए। यूजुअली एलिफेंटा का टूर सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक होता है, पर आप जितने सुबह जा पाओगे आपके लिए उतना ही एडवांटेज होगा, क्योंकि सुबह अंडरवाटर के वर्ल्ड को देखना बहुत अच्छा लगता है। सारा कुछ क्लियर एंड परफेक्टली दिखता है। अंडरवाटर के एक्टिविटीज के लिए हमेशा ही अर्ली मॉर्निंग रेकमेंडेड है। प्राइस है 3500 पर पर्सन, और हम लोग एलिफेंटा के लिए टूर में जा रहे हैं, उसका है 1000 रुपीज़ पर पर्सन। तो ये है हम लोग का टोटल हिसाब। वो हम लोग का जो सी वॉक का पड़ा वो 3500 पर पर्सन, और जो नॉर्मल जो हम लोगों का एलिफेंटा के लिए राइड होगा वो है 1000 रुपीज पर पर्सन। तो अभी हम लोग एलिफेंटा जाएंगे और उधर सी वॉक करेंगे। तो पहले आपको थोड़ा सा इस जगह का व्यू दिखा देती हूँ।
है सामने आपका। टिकट काउंटर और ये है आपका टिकट काउंटर और इस साइड है आपका ये ओशन और उसी साइड से हम लोग कल आए थे इधर। शिप से अगर आप जब उतरेंगे तब आपको ये लगेज लेने के लिए ये सब मिल जाएगा और अगर आप इस गेट के अंदर घुसेंगे तभी आपको ये सब मिल जाएगा अपना लगेज शिप तक कड़ी करने के लिए। तो यहाँ पे लगेज के लिए कुछ उतना टेंशन नहीं है क्योंकि ये सब मिल जाता है। लिखा हुआ है स्वराज दीप जेटी। देखिए इधर समुंदर कितना सुंदर है। बोट के जो अदर पैसेंजर है उनसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करने के बाद ही आ पाएंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ तो 3 घंटा आपको रुकना पड़ेगा कंपल्सरी। वाटर स्नैक्स फ्रूट स्नैक्स अवेलेबल सब पे मिल जाएंगे। चेंजिंग रूम से लेकर लॉकर रूम में मिलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री स्नॉकलिंग है टिकट के साथ इंक्लूडिंग। वॉशिंग के बाद आपको ऑपरेटर एंड क्रू करा देंगे। स्नॉकलिंग का एज लिमिटेड 12 to 60 ईयर के अंदर ही कर पाएंगे एंड 3 घंटे का पहले ही आपको स्नॉकलिंग कर लेना है। 3 घंटे का बाद बोलेंगे तो आपको ऑपरेटर एंड क्रू आपको स्नॉकलिंग नहीं कराएंगे। एंड वाटर एक्टिविटी राइड अपने यहाँ से बुकिंग करवाए तो आप अपने ऑपरेटर को शो कराइए, 1x1 सेफ्टी के साथ करा देंगे। सेम काउंटर सेम अमाउंट सेम राइड सेम प्राइस आपको एलिमेंट ऑफ बीच में मिलेंगे। बस हमें डायरेक्टली कैश पेमेंट करके वाटर एक्टिविटी बुकिंग करा सकते हैं। उसके लिए भी आपको ऑपरेटर एंड क्रू को बोलना पड़ेगा ताकि 1x1 सेफ्टी के साथ हर एक एक्टिविटी करा दें। बीच में पहुँचने के बाद आप आपको बोट नेम याद रखिए, आपको बोट नेम से आपको गाइड करेंगे, आपका नाम से नहीं। आपको बोट नेम गंगा वन ओके पूजा बेस्ट है। बोटम गंगा वन तानिका, बोटम गंगा वन शिल्पा, बोटम गंगा वन संजय, बोटम गंगा वन गंगा वन। और देखिए आपको ऑपरेटर नाम से आपको कप्पा लेना मैम। आप लोग सुने हैं इधर बोट नेम से हम लोगों को जाना जाएगा तो हम लोगों का नाम के साथ बोट नेम दे दिया है और हम लोगों का बोट का नाम है गंगा वन और अभी हम लोग सारे जा रहे हैं बोट में चढ़ने के लिए। तो इधर से अभी हम लोग चढ़ेंगे बोट पे। वेरी नाइस। तो ये है हम लोग का बोट। अभी हम लोगों का बोट स्टार्ट हो चुका है और अभी हम लोग चल रहे हैं एलिफेंटा बीच की तरफ। जैकेट खोल के दो रस्सी है इसमें रखिए।
हम लोग पहुंच चुके हैं एलिफेंटा बीच पे। अभी हम लोग जाएंगे स्नॉर्केलिंग करने के लिए। एलिफेंटा बीच के पूरे एरिया कुछ ऐसा दिख रहा था। बहुत ही खूबसूरत। अगर आप एक्टिविटीज वहां से बुक नहीं भी करके आओगे तब भी यहाँ पे आके भी आप एक्टिविटीज बुक कर सकते हो। हम लोगों का स्नॉर्केलिंग इस पैकेज के साथ इंक्लूडेड था, पर हम लोग डीप स्नॉर्केलिंग किए थे उसके लिए 800 एक्स्ट्रा लगा था, जिसका टिकट हम लोगों ने यहीं पे आके बुक किया था। आराम से कराऊंगा सभी को और टाइम भी दूंगा, आराम से एंजॉय करेंगे। अब क्या तकलीफ है मेरे को देखो, वो चेंज करना ड्रेस और इस साइड है लॉकर। तो अभी एलिफेंटा बीच में पहुंचने के बाद आप यहाँ पे इधर सारा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है एक्चुअली। तो इधर आप अपना जो सामान है वो लॉकर में रख सकते हैं और इधर चेंजिंग रूम वगैरह भी अवेलेबल है। तो आपको एक्टिविटीज़ करने के पहले या एक्टिविटीज़ करने के बाद अगर चेंज करना है तो चेंजिंग रूम अवेलेबल है। और ये जो सामने है ये लॉकर रूम के लिए बुकिंग हो रहा है, इसका चार्ज है 100 रुपीज़। तो आप जब तक हम लोग एक्टिविटी करेंगे तो ये लॉकर रूम में हम लोग सारा अपना सामान रख सकते हैं। ये हो रहा है इधर से लॉकर रूम का ये बुकिंग, ये 100 रुपीज़ का ये बुकिंग है। और ये है लॉकर, तो हम लोग का जो लॉकर रूम का की दे दिया है तो ये हम लोग अपना सामान रख सकते हैं। तो ये ऐसे बांध देगा आपके हाथ पे। ये है हम लोग का लॉकर 237, अंदर जगह है अच्छा खासा, बड़ा लॉकर है, बैग घुस जा रहा है। और हम लोग सारा अपना सामान रख दिए। हम लोग अपना सामान रख दिए हैं, अभी फिर जाएंगे एक्टिविटीज वगैरह करने के लिए। जो हम लोग का है स्नॉर्केलिंग कम्प्लीमेंटरी है इस बोट के टूर के साथ। तो हम लोग 1000 रुपीज़ देके जो बोट का टिकट बुक किए है उसमें ये स्नॉर्केलिंग एक्टिविटीज़ जो है वो कम्प्लीमेंटरी है। और उसके साथ हम लोग 3500 दे के सी वॉक बुक किए हैं, तो उसका टिकट भी हम लोग उनको दे दिए हैं। तो वो हम लोगों को बोला है कि करवा देगा। साइड है समुंदर, ये ओशन है। और सामने जो एरिया है वो भी मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे स्नॉर्केलिंग, डीप स्नॉर्केलिंग या फिर सी वॉक को छोड़ के भी बहुत सारा एक्टिविटीज हो रहा था।
जैसे कि जेट स्की, स्पीड बोट और तो कुछ कुछ ऐसे एक्टिविटीज हो रहा था जिसका मैंने पहले नाम भी नहीं सुनी थी। और फाइनली मैं चल रही थी अपना डीप स्नॉर्केलिंग करने के लिए। ये सामने है डीप स्नॉर्केलिंग का मास्क। मैं इस टूर से पहले थाईलैंड गई थी, वहाँ पे भी वाटर एक्टिविटीज़ की थी, पर सच बोलूँ तो अंडमान में वाटर एक्टिविटीज़ करने के बाद मुझे थाईलैंड वाला वाटर एक्टिविटीज़ करने का कोई मतलब ही नहीं नज़र आया। The marine life of Andaman is much more beautiful than any island of Thailand. यहाँ पे हर एक कोरल का अलग अलग नाम है, किसी का नाम है ब्रेन कोरल, किसी का नाम है स्टार कोरल।
देवदास एक हाँ सुंदर दारू लगे फिलहाल तो देखिए सुंदर कौन था हाँ 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 अच्छा
और एक्सपीरियंस। It was the bond. You need to sign a bond that you are doing it at your own risk. अभी हम लोग फिर से बोट में चढ़ने के लिए जा रहे थे।